हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मुगल गुप्तकाल, और गुप्तकाल में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने। और गुप्तकाल के इस बार हमने जो है समुद्रगुप्त की बात की थी प्यारे दोस्तों। समुद्रगुप्त में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, और समुद्रगुप्त में कहा जाता है कि अब आगे की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या बातें करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने कई सारे युद्धों में विजेता प्राप्त करने के विजय प्राप्त कर ली थी। विजय प्राप्त करने के पश्चात किसको चंद्रगुप्त को कहा जाता है? क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर देने के पश्चात क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि इसको जो इसके पहले अर्थात यहाँ पर चंद्रगुप्त जो द्वितीय है या विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त एक ही बात है। यहाँ पर हम पूरा ताज एम्पायर दिख रहा है आपको, ये गाजीपुर या तक्षशिला, यानी इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, ये प्रयाग पाटलिपुत्र हुआ करती थी भाई, और इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। कितनी राजधानी हुआ? राजधानी राजधानी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये गुप्त एम्पायर के गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। अंतर्गत आता भाई, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। अब बात करने यहाँ पर पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य हो गया था। और इसके समय अब देखिएगा प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बनता है किस कौन बनता है? समुद्रगुप्त मान्यता है कि दो योग्य पुत्र थे, एक तो रामगुप्त और एक कौन था भाई, एक तो रामगुप्त था और एक कौन था? चंद्रगुप्त। एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त, यहां पर बात करते हैं भाई, है ना। समुद्रगुप्त, समुद्र गुप्त, समुद्रगुप्त की बात करें तो इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। ये पुत्र, ये पुत्र थे इसके, एक तो था रामगुप्त, कौन? राम गुप्त, एक जो था चंद्रगुप्त, कौन था? चंद्र गुप्त द्वितीय, कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक तो रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त थे। अब रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय में कहा जाता है कि यहाँ पर इस समय इसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। किसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है? इसको रामगुप्त गुप्त को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इसी के समय कहा जाता है कि यहाँ पर शकों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है भाई? शकों का आक्रमण होता है। कहाँ पर होता है? अर्थात मुगल जो ये था आपका गुप्त काल, इसमें किसका आक्रमण होता है? शकों का। किसका? शकों का आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है। और शकों का आक्रमण होता है तो कहा जाता है कि ये संधि के तहत क्या संधि कर लेता है? संधि के तहत इसकी पत्नी, किसकी? रामगुप्त की पत्नी, शकों से रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। कौन? ध्रुव, ध्रुव देवी। कौन सी पत्नी थी? इसकी पत्नी कौन थी भाई? ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी हुआ करती थी। और शकों का आक्रमण होने के बाद कहा जाता है कि ये जब शक इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, किसके ऊपर? ध्रुव रामगुप्त के ऊपर। रामगुप्त के ऊपर जब शक आक्रमण कर ही देते, कंडीशन ये होती है कि ये अपनी पत्नी ध्रुव देवी को या ध्रुव स्वामिनी को, क्या? ध्रुव स्वामिनी को किसको दे देता है? ये शकों को दे देता है और संधि कर लेता है कि मेरे साम्राज्य को बख्श दो, मेरी लुगाई ले जाओ, क्या मेरी लुगाई ले जाओ तुम, और मेरे साम्राज्य को छोड़ दो। ऐसी बात ये जब दे देता है, इसका पता चलता है किसको? चंद्रगुप्त को, देवर को, यानी कि छोटे भाई को पता चलता है, चंद्रगुप्त को। और ऐसा बात हुई तो कहा जाता है चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का भेष बनाता है और पालकी में बैठकर कहाँ? वहां पर चल जाता है। कहाँ पर? किसके पास चल जाता है? शकों के पास। शकों के पास जाकर कहा जाता है उनके राजा को वहीं पर मारता है। मारकर कहा जाता है कि उसके शक को भी मार जाता है। मारने के पश्चात किधर आ जाता है? ये रामगुप्त के पास आ जाता है। रामगुप्त के पास आता है। रामगुप्त के पास आने के बाद रामगुप्त को भी मार देता है, अपने भाई को भी मार देता है, और उस अपनी भाभी कौन? ध्रुव स्वामिनी से खुद विवाह कर लेता है। कौन? ध्रुव
चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त विवाह करने के बाद यहाँ पर कहाँ का राजा, मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनता है, चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, याद रखिएगा ठीक है। तो क्या करता है देखिएगा, ये संधि करता है, संधि करने के बाद ध्रुव स्वामी को किसको दे देता है, शको को दे देता है। किसको दे देता है भाई, शको को दे देता है। अब शको को दे देने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि ये कंडीशन होती प्यारे दोस्तों, क्या कंडीशन होती, कंडीशन ये होती कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ जाता है, ध्रुव स्वामिनी के वेश में कहाँ पर जाता है, शको के, और ध्रुव स्वामिनी को क्या प्राप्त कर लेता, और ये शको को मारकर किसको, शक राजा था उसको मारता है। सबसे पहले शक शासक को मारता है, किसको मारता, शासक को मारता, शक शासक को मारता, शक शासक को मारकर रामगुप्त की हत्या करता, किसकी, रामगुप्त की हत्या करता, रामगुप्त की हत्या करता, रामगुप्त की हत्या करने के बाद कहा जाता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बन जाता, शासक बन जाता, क्या बन जाता भाई, गुप्त का, गुप्त को शासक बन जाता। और ये शासक बनने के बाद कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनने के बाद किससे विवाह करता, ये विवाह करता किससे, ध्रुव स्वामिनी से, किससे, ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी से, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी है ना, यही ध्रुव स्वामिनी कहेंगे इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ध्रुव देवी कई जगह मिलता है, तो इसको ध्रुव स्वामिनी क्या कहेंगे, ध्रुव स्वामिनी ठीक है। इस ध्रुव स्वामिनी से कौन हत्या कर देता है, रामगुप्त को मारकर, ध्रुव स्वामिनी से कौन विवाह कर लेता है, रामगुप्त को मारकर, ये आपका चंद्रगुप्त, और कहा जाता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, क्या करता है, अब शासक बन जाता है कौन, यहां पर देखिए कौन शासक बन जाता है भाई, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या बात करें, विक्रमादित्य, क्या कहते हैं इसको, विक्रमादित्य, क्या कहते हैं भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसको कहते हैं, ये शासक बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। शासक बन जाने के पश्चात कहा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है, विवाह करने के बाद ये यह शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद क्या कंडीशन होती, कंडीशन ये होती है कि एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, रामगुप्त का नाम लिया है ये, तो एक चीज और लिख लेना याद, यहाँ पर क्या, इस रामगुप्त ने, किसने, रामगुप्त शासक बना था, इसकी बात करें रामगुप्त ने, और रामगुप्त ने क्या चलाए थे भाई, यहाँ पर कहा जाता है कि रामगुप्त के द्वारा, इसके द्वारा प्यार दोस्तों, रामगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे, किसने, रामगुप्त ने क्या चलाया था, तांबे के सिक्के, ये ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, यहाँ पर रामगुप्त ने ये राजा बन गया था, राम गुप्त ने तांबे, तांबे के सिक्के चलाए, के चलाए, किसने चलाए थे भाई, ये रामगुप्त के द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे, विशेष रूप से ध्यान रखना है, रामगुप्त ने कौन से सिक्के चलाए थे, रामगुप्त शासक बना, शासक बनने के बाद राज चांदी के और तांबे के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, ये रामगुप्त है। और कहा जाता है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, देवी चंद्र गुप्तम में, किस में मिलता है, विशाख दत्त की देवी चंद्र गुप्तम में। ये सारी कहानी कहाँ मिलती है हमें, ये सारी कहानी, ये सारा जो इसके बारे में उल्लेख है, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, विशाख दत्त की एक रचना है, ये सारी जानकारियां कहाँ से मिलती है, ये कहानी कहाँ से मिलती है भाई, अर्थात ध्रुव शको का आक्रमण की जानकारी, ध्रुव स्वामिनी से विवाह करना, किसका, रामगुप्त का, और उसके बाद चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामिनी से करना, किसको मारना, रामगुप्त को मारना, ये जानकारी हमें मिलती है विशाख दत्त के, कौन से, किससे मिलती है भाई, विशाख दत्त के कौन सा ग्रंथ की जानकारी, विशाख दत्त, और विशाख दत्त के ग्रंथ, विशाख दत्त के ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र
गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम से हमें कुमार गुप्त की जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। के बारे में जानकारी मिलती है भाई देवी चंद्र गुप्तम से, कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब किस प्रकार से शासक बनता है, क्या क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। 375 से 415 इसका जो शासनकाल माना जाता है, इसका शासनकाल होता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी, ठीक है। और कई जगह ये भी मिलेगा भाई, ये भी मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 380 से लेकर उधर जो है समुद्रगुप्त का 80 तक कर दिया जाता है, 5 साल बढ़ा दिए जाते हैं, यहाँ पर ये भी शासनकाल मिलता है। दोनों शासनकाल मिलते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों शासनकाल यहाँ पर देखना। अब उपाधियाँ की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले इसकी जो उल्लेख मिलता है, चंद्र जी का उल्लेख मिलता है, आगे बातें करेंगे। इसकी उपाधियों की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी उपाधि, उपाधियां की बात करें किसकी भाई, चंद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या मिलती हमें, ये उपाधियों की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या जानकारियां मिलती है इसे, इसे शशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शशांक, क्या कहा जाता है, शशांक या शशांक, शशांक क्या कहा जाता है, शशांक या शशांक क्या कहा जाता है, शशांक इसे क्या कहा जाता है, शशांक या शशांक की जानकारी, इसे सकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक दूसरी जो उपाधि मिलती है इसे सकारी कहा जाता है, शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण इसे क्या कहा जाता है भाई, सकारी कहा जाता है। ये दूसरा वाला सही, थोड़ी ज्यादा बड़ी, क्या कहा जाता है भाई इसको, तो सकारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सकारी भी इसको कहा जाता है, शकों पर विजय प्राप्त करने का, इस पर शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण, क्या कारण क्यों कहा जाता है इसे, इसे सकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इस कारण इसे क्या कहा जाता है भाई, सकारी कहा जाता है। और बात करते हैं और क्या मिलती है इसकी उपाधियां, और जो उपाधि मिलती है इसे देवराज कहा जाता है, वो कहाँ कहा गया भाई, इस सांची अभिलेख में कहा गया है, इसे क्या कहा जाता है, देवराज, देव राज, और ये कहाँ कहा गया है, सांची अभिलेख में, कहाँ सांची लेख में, कहाँ कहा गया है, सांची अभिलेख में कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, इसे देवराज कहा गया है, देवराज अर्थात देवताओं पर अर्थात राजा कहलाने के कारण कहा जाता है, देवगुप्त कहा गया है, ये प्रवरसेन के चमक लेख में मिलती है, ये देवगुप्त, क्या इसे देवगुप्त कहा गया, और ये कहाँ जाने के मिल, प्रवर प्रवर सेन के चमक लेख में जानकारी मिलती है, कौन से चमक लेख में इसकी जानकारी मिलती है, कहां पर कहा गया इसे, इसे देवगुप्त कहां पर कहा गया भी, इसे प्रवरसेन के लेख में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसे देवगुप्त की भी कहा गया। और बातें करें तो कहा जाता है इसे विक्रमादित्य कहा जाता है, या सिक श्री विक्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, ये गुप्त वंश में क्या श्री विक्रम या विक्रमादित्य ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसके, इसके उपाधियां है, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये उपाधियां, ये प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और ये क्योंकि क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त करने या शकों को मारने के बाद की थी इसने, ये प्रथम शासक माना जाता है, कौन सा शासक माना जाता है, यह प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक था जिसने जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उपाधि
ये कहा जाता है गुप्तकाल का प्रथम शासक माना जाता है या गुप्तों में प्रथम शासक माना जाता है, जिसने किसका उपाधि धारण की भाई, जिसने किसकी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और बात करें तो इसे परम भागवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या प्रमाण भागवत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ नेक्स्ट ले, इसे क्या कहा जाता भाई? और नेक्स्ट बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? परम भागवत या परमार भागवत, पर मार परमार भागवत क्या कहा जाता भाई? परमार भागवत या परम भागवत भी किसको कहा जाता? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता। ये सर्वप्रिय उपाधि मानी जाती है। क्या? इसकी सर्वप्रिय या सबसे प्रिय उपाधि मानी जाती है ये, सबसे सबसे प्रिय उपाधि, सबसे प्रिय उपाधि है इसकी। कौन सी उपाधि? ये सबसे प्रिय उपाधि मानी जाती है। सबसे प्रिय उपाधि थी किसकी? ये परम भागवत या परमार भागवत भी इसको कहा जाता है, विक्रमादित्य को कहा जाता है। सारी जानकारियां, चंद्र भी कहा जाता, कहाँ कहा जाता, इसको चंद्र कहा जाता। ये चंद्र कहाँ गया, कहाँ गया चंद्र, और चंद्र कहाँ कहा गया भाई? महरौली के लोह स्तंभ में। कहाँ? महरौली, महरौली, महरौली के लोह स्तंभ में, लोह स्तंभ में, स्तंभ पर। ठीक है, इसकी जानकारी, इसे चंद्र कहाँ कहा गया है? महरौली के लोह स्तंभ पर इसे चंद्र कहा गया है, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महरौली के लोह स्तंभ, और ये महरौली से उठाकर कहाँ पर वर्तमान में? दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में लगाया गया है। ये लोह स्तंभ कहाँ पर लगा हुआ है? कुतुब मीनार के बगल में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद अपन फोटो भी देखेंगे इसका, अभी चर्चाएं करेंगे। और क्या क्या नाम मिलते हैं इसे? उज्जैनी पूर्वाधीश्वर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? एक तो उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जे, उज्जैनी, उज्जैनी पूर्वाधीश्वर, पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर, पाटली पूर्वाधीश्वर, पूर्वाधीश्वर कहा जाता। क्या कहा जाता? उज्जैनी पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर क्यों कहा जाता? क्योंकि इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। कितनी राजधानियां हुआ करती थी? इसके दो राजधानियां हुआ करती। कितनी राजधानी? राजधानी कितनी? दो। कितनी राजधानी थी इसकी? दो। एक तो पाटलिपुत्र, कौन सी? पाटली पुत्र, और दूसरी कौन सी? उज्जैनी। कौन सी? उज्जैनी। ये दोनों राजधानियां किसकी थी भाई? इसकी थी। इस कारण इसे क्या कहा जाता? इसे उज्जैनी पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता, किसी को कहा जाता भाई? ये भी इसी के नाम मिलते हैं। सारे नाम अर्थात इसके साथ आठ नौ नाम की जिक्र कर चुके अपन। और कहा जाता है कि ये कुंतल लोगों के, ठीक है, याद रखना। और कहा जाता है इसने मां राजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी इसने? राजाधिराज। किसकी उपाधि इसने? राजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। इसे देव भी कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? इसे देव भी कहा जाता। क्या कहा जाता? इसे देव भी, राजाधिराज। किसकी? राजाधिराज की उपाधि भी धारण करने वाला ये शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसे उदयगिरी गुप्तालेख में प्राप्त चलती है। किससे? ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उदयगिरी, उदयगिरी गुप्तालेख से। कहाँ से? गुप्तालेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है इसकी? राजाधिराज की जानकारी मिलती है हमें उदयगिरी गुप्तालेख से, हमें जानकारी मिलती है। इसे देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे नरेंद्र चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त इसे दत्त देवी की संतान कहा गया। और क्या कहा जाता है इसे? नरेंद्र दत्त कहा जाता, नरेंद्र दत्त या नरेंद्र सिंह भी कहा गया भाई। नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र चंद्र या सिंह कहा गया। और बात करें तो इसे और क्या कहा जाता भाई? इसे चंद्रगुप्त, क्या? चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त और किसकी संतान, दत्त देवी की संतान कहा गया, किसकी, चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था, दत्त देवी की संतान था, किस संतान था, चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, इस सारे उल्लेख की जानकारी हमें मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। ये सारे नाम मिलते हैं, अलग अलग अर्थ है इनका, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या जानकारी आई इसकी। देखिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे पहले शशांक कहा जाता है, शशांक कहा जाता है, इसे सकारी कहा जाता है, शकों पर विजय प्राप्त के कारण इसे देवराज कहा जाता है, कहाँ पर, सांची लेख में या सांची अभिलेख में इसे देजरा देवराज। देवगुप्त क्यों कहा जाता, प्रवर सेन के चमक लेख में कहा गया, श्रीगुप्त या श्री विक्रमादित्य या विक्रमादित्य कहा जाता है कि इसने खुद ने उपाधि धारण की थी और ये प्रथम शासक था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि की क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद ये उपाधि धारण थी, किस पर, विजय प्राप्त करने के बाद शकों पर, किस पे, ध्यान रखना, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद धारण की बाद चंद्र बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उपाधि उपाधि धारण किसकी उपाधि धारण की, भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर ले ली है। इतने सारे नाम और बातें करें तो क्या कहा जाता है भाई, ये पूरा का पूरा परम भागवत, परमार भागवत सबसे लोकप्रिय इसकी उपाधि मानी जाती है। चंद्रगुप्त कहाँ पर कहा जाता है, इसको मरोली लोह स्तंभ में जो दिल्ली में वर्तमान में कहाँ पर लगा हुआ है, दिल्ली में लगा हुआ है, और कहा जाता है कि इसमें इसको क्या कहा गया, उस पर लेख लिखा हुआ है, लोह स्तंभ पर एक लेख लिखा है, वहाँ पर चंद्र लिखा हुआ मिलता है इसके, और उसमें कहा जाता है ये गुप्तकालीन शासकों के बारे में लिखा हुआ है, ये उज्जैनी के पूर्वाधीश्वर कहा जाता है, पाटलिपुत्र के पूर्वाधीश्वर कहा जाता है, ये दूर राजधानी होने के कारण गुप्त अभिलेख में राजा धीराज की उपाधि की जानकारी, नरेंद्र चंद्र कहा जाता है या नरेंद्र सिंह कहा जाता है, गुप्त ये किसकी संतान माना जाता है भाई, ये माना जाता है किसकी, ये माना जाता है, याद रख लेना, किसकी, दत्त देवी की संतान माना जाता है। सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है, पहली बार तो ये शासक कैसे बना, शासक शकों को पराजित करके, शकों को पराजित करके रामगुप्त को मारकर अपनी भाभी से विवाह किया था, इसने किससे विवाह किया था भाई, इसने ध्रुव स्वामिनी से, यहाँ पर एक लाइन में लिख लें, रामगुप्त अपने भाई, सबसे पहले तो अपने भाई, अपने भाई रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर की पत्नी की पत्नी की पत्नी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी से चंद्र गुप्त ने विवाह कर लिया और शासक बना, और शासक बना, ठीक है, शासक बना, क्योंकि ये अपने भाई को रामगुप्त को मारकर शासक बना था। सीधी सी बात है कि अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और करने के बाद उसकी पत्नी पर भी पत्नी से विवाह कर लिया, उसके बाद ये कहाँ का शासक बनता है, गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। आगे बात करते हैं, अब क्या क्या है इसके जो जानकारी मिलती है, के लेखों की बात करते हैं, चंद्रगुप्त के अभिलेखों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अभिलेखों की बात करें भाई, तो देखिएगा, तो चंद्रगुप्त के अभिलेख क्या, चंद्रगुप्त के अभिलेख
अभिलेख, चंद्रगुप्त के अभिलेख। और चंद्रगुप्त के अभिलेख क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से लेख, और कहा जाता है मथुरा स्तंभ लेख। और मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का या चंद्रगुप्त सेकंड का यह प्रथम अभिलेख माना जाता है। कौन सा इसका पहले बात करें, कौन से अभिलेख की, मथुरा अभिलेख, कौन से अभिलेख की बात करें, मथुरा अभिलेख की, ये इसका प्रथम अभिलेख माना जाता है जो 380 ईस्वी में लिखा गया। अभी कौन सा मथुरा अभिलेख, कौन सा मथुरा अभिलेख, अभिलेख ये इसका प्रथम अभिलेख माना जाता है, मथुरा अभिलेख। यह इसका प्रथम अभिलेख है, अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, ये इसका प्रथम अभिलेख माना जाता है। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का यह प्रथम अभिलेख माना जाता है। और इसकी रचना कब हुई भाई, ये 380 ईस्वी का है। कब का ये 380 ईस्वी का है, इसका टाइम पीरियड कब माना जाता है भाई, 380 का टाइम पीरियड माना जाता है। दूसरी बात करें भाई, दूसरा जो लेख माना जाता है, दूसरी बात करें प्यारे दोस्तों, दूसरा जो लेख माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, सांची लेख, इससे संबंधित है चंद्रगुप्त से माना जाता है। इसका सेनापति आम्र कार्दव, ये सांची लेख, कौन सा सांची अभिलेख या लेख, ठीक है, सांची अभिलेख। और यहां पर जो जानकारी मिलती है, इसके बाद बात करें, ये भी किसका है, ये भी चंद्रगुप्त का है। किसका है ये, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय का ये माना जाता है। और कहा जाता है इसका एक सेनापति हुआ करता आम्र कार्दव, कौन था इसका सेनापति था आम्र कार्दव, जिसके बारे में कहा जाता है कि आम्र कार्दव का है जो, ये किसका है, इसका सेनापति आम्र कार्दव का है जो बौद्ध था। क्या था भाई, इससे क्या था, ये आम्र कार्दव एक सेनापति था इसका, और जो क्या था, बौद्ध था। और इसमें क्या उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, यह इसके के सेनापति आम्र कार्दव, कौन आम्र कार्दव का था जो जो क्या था, बौद्ध था। क्या था ये, बौद्ध था, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित था भाई, क्या था, जो बौद्ध था। इसमें क्या मिलती है, ग्राम पंचायत की जानकारी मिलती है, इसमें ग्राम पंचायत किसकी जानकारी मिलती है, ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। किसके अंदर किया गया भाई, सांची, किसके अंदर, सांची अभिलेख के अंतर्गत, के अंदर सांची अभिलेख के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है। अब देखिएगा, ये मथुरा अभिलेख जो माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त का प्रथम अभिलेख माना जाता है, और कहां से महर, इसके बाद बात करें तो ये नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण माना जाता है इससे संबंधित कौन सा, वो माना जाता है भाई महरौली का लौह स्तंभ लेख। महरौली, महरौली का लौह स्तंभ लेख, महरौली का लौह स्तंभ लेख, देखिएगा ये जानकारी मिलती है। और ये जानकारी कहां से, देखिएगा, पे कहा जाता है कि एक लिपि लिखी हुई है, एक मिनट तो फोटो भी होगा अपने पास तो देखते, महरौली का लौह स्तंभ, ये देखिए, स्तंभ लेख लिखा हुआ है इस प्रकार से पूरा है,
अर्थात स्तंभ पे लिखा हुआ है, इस कारण से क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तरीके से दिखाई देता है ये कि पीछे कुतुब मीनार बनी हुई है, दिल्ली में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है भाई, दिल्ली में। कहाँ लगा हुआ है, दिल्ली में। कहाँ लगा हुआ है भाई, दिल्ली में लगा हुआ है। ये मोहरुली का स्तंभ लेख है, ये इस पर कुछ लिखा हुआ है कि इससे जानकारी, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये है मोहरुली का लोह स्तंभ। कौन सा है, मोहरुली का लोह स्तंभ, ये वाला। ये मोहरुली का, मोहरुली कहाँ का, मोहरुली, मोहरुली का लोह स्तंभ, लोह स्तंभ, मोहरुली का लोह स्तंभ, ये वाला है। क्या वाला है भाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये बारीक वाला, ये मोहरुली का लोह स्तंभ है। और ये कुतुब मीनार है, ये क्या है, इसके बगल में कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के बगल में ये लिखा हुआ है। और ये इसका ऊपरी भाग है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं ऊपरी भाग, ये वाला हिस्सा, ये ऐसा दिखता है ऊपरी हिस्सा। और इस पर ये कुछ लिखा हुआ है, और यहीं से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, ये जो देख रहे हैं आप, इसी से हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर चंद्रगुप्त को चंद्र कहा गया, चंद्र इस लेख में, इस लेख में, या इस स्तंभ लेख में, इस लेख में चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को क्या चंद्र कहकर कहा, चंद्र कहा गया, कहा गया। अर्थात यहाँ पर गुप्तकालीन जो जानकारी मिलती है, यहाँ पर एक राजा का उल्लेख मिलता है, और उस राजा को क्या कहा गया भाई, चंद्र कहा गया। और उसकी पहचान किसके रूप में की गई, चंद्रगुप्त के रूप में की गई। किसके रूप में की गई उसकी पहचान, चंद्रगुप्त के रूप में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में की जाती है। प्यारे दोस्तों, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये मोहरुली का लोह स्तंभ है। इस मोहरुली के लिस्ट कहा जाता है कि ये दिल्ली की, दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। कहाँ पर है ये वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में। वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ है भाई, कि दिल्ली में है। कहाँ पर, कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार है, ये क्या है, कुतुब मीनार। क्या है ये, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है दिल्ली की, और इसके बगल में ये लगा हुआ है, याद रखना। कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के बगल में कहाँ पर, दिल्ली में लगा हुआ है, याद रखना। पहले तो कहाँ लगा हुआ है, दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में ये लगा हुआ है, मोहरुली का लोह स्तंभ। इसके बारे में कहा जाता है मूल रूप से ये व्यास नदी के किनारे पहाड़ी पर था। कहाँ पर था ये, व्यास नदी के किनारे एक पहाड़ी पर लगा हुआ था, जिसे कहा जाता है अनंग पाल तोमर ने इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था। किसने, अनंग पाल तोमर ने इसको दिल्ली में स्थापित करवाया था। और ऋषि के बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है इस पर। इसमें तीन छंद लिखे हुए, कितने, तीन छंद लिखे हुए, कितने, तीन छंद लिखे हुए। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो ये कहाँ पर है, देख लिया आपने, कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है। और इस पर जो भाषा लिखी गई, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है इस पर लिखी हुई, ये कौन सी भाषा है, संस्कृत रहा। चलो कोई नहीं, क्या ये, तो ये अभिलेख कहाँ पर है भाई, ये दिल्ली में है। और पहले कहाँ था, ये व्यास नदी के तट पर हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था ये, व्यास नदी के तट, किस पे तट पर, ये पहले इस, ये कहाँ पर था, व्यास नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर स्थित था, स्थित, स्थित,
कहां पर था? व्यास नदी के तट पर स्थित था ये। कहां पर था? व्यास नदी के तट पर स्थित था, जिसे जिसे अनंगपाल तोमर ने, किसने? अनंग अनंग अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में स्थापित करवाया। कहां पर स्थापित करवाया भाई? दिल्ली में लगवाया, लगवाया कहां पर? कुतुब मीनार के बगल में। और बात करें, यहां पर संस्कृत में लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेख लिखा हुआ है, ठीक है, लेख लिखा है, जिसमें कहा जाता है तीन छंद है। तीन छंद है, क्या है? तीन छंद है। कितने छंद है? पर तीन छंद माने जाते हैं। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में कुछ लेख लिखा गया है। ये देख लो, अपने को तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा, ये तरीके से लिखा हुआ है इस पर। ये किससे संबंधित है भी? ये था आपका कुछ सिक्के हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिक्के किससे संबंधित माने जाते हैं। ये सिक्के किसी से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित सिक्के माने जाते हैं। और कहा जाता है इसके द्वारा, के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा 8 प्रकार के सिक्के चलाए गए। कितने प्रकार के चलाए गए भी? 8 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। देख लेना, कितने प्रकार के सिक्के चलाए गए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा? 8 प्रकार के सिक्के चलाए गए, ठीक है, याद रह जाएगा, 8 प्रकार के सिक्के चलाए गए। तो यह ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 8 प्रकार के सिक्के चलाए। 8 प्रकार के सिक्के चलाए। क्या चलाए भाई? सिक्के चलाए, 8 प्रकार के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। ठीक है, 8 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें सोने सोने चांदी तांबा, सोने चांदी और तांबा तीनों के सिक्के चलाए। सोने चांदी तांबा इनके सबके सिक्के कहा जाता है कि किसके द्वारा चलाए गए थे? इसके द्वारा चले गए चलाए गए थे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करें कि इसके वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। चलिए, किसकी बात करेंगे भाई? वैवाहिक संबंधों की। तो इसके बरौली का लोह स्तंभ, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है, चलिए आगे देख लेना। चलिएगा, बरौली के लोह स्तंभ पर कुछ लिखी हुई ये जानकारी है भाई, ठीक है। ये कहाँ पर लिखी हुई है? लोह स्तंभ के नीचे जो ये शिलापत्र लगा हुआ है उस पर जो जानकारी है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और जाएगा आपको अच्छे से। ये लोह स्तंभ की जानकारी देती हुई रंग रहित लोह स्तंभ, इस पे देखिएगा, ये प्रसिद्ध स्तंभ कुवतुल इरगल मस्जिद के प्रांगण में, या कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बगल में लिखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी त्रुटियां कर रखी है, कुवत उल इस्लाम, एक मिनट में, कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, यहाँ पर क्या है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, काटापिटी कर रखी है इसकी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। इस पर एक अभिलेख संस्कृत भाषा में गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी लिपि है भाई? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित है। पूरा लिपि के आधार, किसके आधार पर? पुरालिपि के आधार पर यह चौथी शताब्दी का माना जाता है। कौन सी शताब्दी का माना जाता है? चौथी शताब्दी का माना जाता है। कौन सी शताब्दी का माना जाता है? चौथी शताब्दी का माना जाता है, जिसकी पुष्टि इसके ऊपर बने
आम पलक, आमलक और शीर्ष से हमें होती है, किससे होती है भाई, ये आमलक और इससे होती है, अर्थात ये इस तरीके का डिजाइन कब बनाया जाता था, चौथी सदी में बनाया जाता था। इस ध्वज के रूप में चंद्र नाम मिले हैं, ये चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा का स्मृति में स्थापित किया गया था, जिस इतिहास में इसकी पहचान गुप्त साम्राज्य के वंश चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और इसके शासन काल भी दिया गया है, इसमें 13 लिखा हुआ है लेकिन 12 तक ही है, ठीक है, तो इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती हुई है ना। चलिए नेक्स्ट, ऊपर की ओर क्रमशः पतले, इस ऊपर की ओर पतले इस शुंडाकार स्तंभ की कुल लंबाई 24 फीट है, जिससे 3 फीट भाग जमीन में नीचे दबा हुआ है, यह सात, कितना, सात अलग अलग भागों में संगठित है, कितने भागों में संगठित है, सात अलग अलग भागों में संगठित बनाया गया है। इस पर सभी विद्वान का एक मत है कि इसे उच्च कोटि के उन्नत लोहांश और इसके ऊपर एक अद्भुत जंजीर जंगरोधी सुरक्षा कवच लगाई है, ये आया सुरक्षा परत बनाते हैं। इस स्तंभ के ऊपर एक गड्ढा है जो इस बात का संकेत करता है कि यह मूलतः भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है, किसकी प्रतिमा लगी हुई है, भगवान विष्णु के गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। और बात करें लगभग 600 सॉरी 6000, ठीक है, लगभग 6000 किलोग्राम वजनी ये जंजीर रहित जंग रहित लोह स्तंभ विशुद्ध पिटवा लोहे, विशुद्ध यानी जो पीट पीट कर बनाए जाने वाला विशुद्ध लोहे से निर्मित है। यह लोहे स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कर्मी कौशल के इतिहास की एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ तक कि 1851 ईस्वी पूर्व सॉरी 1851 से पूर्व तकनीकी रूप से विकसित सदियों में ऐसा पिटवा लोहा स्तंभ में नहीं बना, तब भारतवर्ष में 1600 वर्ष पूर्व ऐसा जंग रहित स्तंभ कैसे बनाया गया होगा, एक आश्चर्य की बात है। सर्वप्रथम इस स्तंभ पर रॉबर्ट हेडफील्ड ने 1912 में सुनियोजित तरीके से अध्ययन किया, तत्पश्चात राष्ट्रीय धातु कर्मी प्रयोगशाला तथा टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी ने इस पर अध्ययन किया, अर्थात बताया गया कि इस पर किस किस ने अध्ययन किया गया है, और टाटा लोह एंड स्टील कंपनी के द्वारा इसके ऊपर अध्ययन करके फिर बताया गया कि इस पर क्या क्या चढ़ा हुआ है, किस प्रकार से चढ़ाया गया होगा, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है भाई, लोह स्तंभ के बारे में ये जानकारी मिलती है। लोह स्तंभ का फोटो भी देखा था अपन ने, ऊपर वाले पेज पर ये लगा हुआ है, ये लोह स्तंभ इसकी बात कर रहे हैं जो जानकारी हमें यहाँ पर मिल, ठीक है प्यारे दोस्तों, और बातें करें तो देखिएगा क्या क्या जानकारियां प्राप्त की हमने। चलिएगा अब बातें करने जा रहे हैं हम इसके वैवाहिक संबंधों की, किसकी बातें करने जा रहे हैं, चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंधों की बातें करने जा रहे हैं। चलिए चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंधों की बातें करें, चलिएगा बेटा, चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो बहुत काम के वैवाहिक संबंध किए हैं प्यार दोस्तों। देखिए किस प्रकार से किए इसने, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर इसने इसके द्वारा जो वैवाहिक स्थापित किए गए विवाह के विवाह कर करके इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विस्तार के साथ साथ शांति बनाए कर रखने का कार्य किया, किस प्रकार से शांति बनाई, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर नाग वंश की कन्या कुबेर नागा से इसने विवाह किया, इससे और इस नाग वंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह करने के पश्चात कहा जाता है कि इससे इसका जन्म हुआ था प्रभावती गुप्त का, इसका जन्म हुआ था, इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त, नाग कन्या जो थी, नाग कन्या कौन थी भाई, नाग कन्या से विवाह किया, अर्थात नाग वंश की होने के कारण ये कुबेर नागा, किससे विवाह किया था इसने, पहली बात करें नागवंश की, किससे संबंध, नागवंश से, किससे, नागवंश, और नागवंश की कौन भाई, नागवंश की कुबेर नागा, किससे, कुबेर नागा, कुबेर नागा, कुबेर नागा से विवाह किया, से विवाह, ठीक है, कुबेर
कुबेर नागा से विवाह किया, और कुबेर नागा से विवाह करने के बाद राजकुमारी कुबेर, ठीक है, कुबेर नागा से विवाह किया, ठीक है, ठीक है। और इससे कहा जाता है कि इसे कुबेर नागा से इसे एक पुत्री प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती भाई, एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, कौन सा, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। इससे क्या प्राप्त होती, इसे नाग वंश की एक कुबेर नागा से विवाह किया था, इससे एक पुत्री प्राप्त होती है, किसे, कुबेर नागा से एक पुत्री प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त से वैवाहिक संबंध में इससे विवाह किया, विवाह करने के बाद इससे एक प्रभावती गुप्त पुत्री प्राप्त होती। और बात करें नागवंश की, बात करें किसकी, नागवंश, ये नागवंश जो था प्यारे दोस्तों, ये नागवंश जो था कहां पर बोलता था, नागवंश, नागवंश, नागवंश जो था प्यारे दोस्तों, ये अहि छत्रपुर, कहां पर, मथुरा अहि छत्रपुर, कौन सा क्षेत्र आता था नागवंश का, मई मथुरा अहि छत्रपुर पद्मावती, इसके अंतर्गत कौन से आते थे, नागवंश के अंतर्गत एक तो मथुरा, मथुरा अहि छत्रपुर, अहि छत्र, अहि छत्रपुर और पद्मावती, पद्मावती ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे, मथुरा अहि छत्रपुर पद्मावती क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ की एक कन्या से विवाह करता है ये, किसे, नाग कन्या से, नाग कन्या का नाम क्या था, कुबेर नागा, कुबेर नागा से इसे एक पुत्री प्राप्त होती है, प्रभावती गुप्त, कौन प्राप्त होती है भाई, प्रभावती गुप्त प्राप्त होती है। ये पहला वैवाहिक संबंध था, याद रखना, ठीक है, ये इसका पहला वैवाहिक संबंध माना जाता है। उसके बाद बात करें कि वाकाटक वंश, वाकाटक वंश का रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक वंश का कौन प्यारे दोस्तों, रुद्रसेन द्वितीय, एक वाकाटक वंश, कौन सा, वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश का रुद्र द्वितीय, यहाँ का नरेश था, यहाँ का नरेश कौन था या राजा कौन था, यहाँ का रुद्र द्वितीय, कौन, रुद्र, रुद्र द्वितीय, कौन था, रुद्र द्वितीय, रुद्र द्वितीय यहाँ का क्या था, वाकाटक वंश का नरेश था रुद्र द्वितीय। और इस रुद्र द्वितीय का विवाह कर दिया जाता है किसका साथ, विवाह किसके साथ किया जाता है, प्रभावती गुप्त के साथ, किसके साथ किया जाता है, प्रभावती गुप्त से, किससे किया जाता है, यानी कि अपनी पुत्री, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ कर दिया भाई, इसके साथ कर दिया, किसके साथ, रुद्रदित्य के साथ, कौन से वंश के, वाकाटक वंश के रुद्रदित्य के साथ प्रभावती गुप्त का विवाह किया जाता है, याद रखिएगा, रुद्रसेन भी कह सकते हैं इसे, रुद्रदित्य भी कह सकते हैं, याद रखना, इसका एक नाम मिलता है क्या, रुद्रसेन, क्या, रुद्रसेन, ये भी नाम मिलता है, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, ये भी नाम इसका मिलता है, रुद्रदित्य मिल जाए या फिर रुद्रसेन द्वितीय मिल जाए, बात एक ही है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर वाकाटक वंश के नरेश रुद्रदित्य का विवाह प्रभावती गुप्त से कर दिया जाता है, किसके साथ कर दिया जाता है भाई, या प्रभावती गुप्त का विवाह, ये किसकी पुत्री थी, यहाँ पर ये चंद्रगुप्त के पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त की पुत्री हुआ करती थी प्रभावती गुप्त, ये इसका विवाह संपन्न हो जाता है और इधर भी शांति कायम हो जाती है। कदम्ब वंश, और कदम्ब वंश के बारे में कहा जाता है कि कदम्ब वंश पे भी विजय प्राप्त करता है, शक विजय के समय चंद्रगुप्त शक गुजरात में काठियावाड़ में थे, चलिएगा नेक्स्ट बातें करते हैं भाई, क्या यहां से और क्या जानकारी मिलती है हमें, कहा जाता है कि जो शकों का शासक था रुद्रसेन तृतीय, क्या, या रुद्रसिंह तृतीय, और इसके समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये अंतिम शासक था शकों का, क्या, शकों का अंतिम शासक था, शकों को उखाड़ फेंकने के कारण इसे सकारी कहा गया था, क्या कहा गया था, शकों का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय हुआ, और उसे क्या कहा जाता है कि युद्ध किया गया, युद्ध करने के बाद कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या किया गया, इससे पराजित कर दिया जाता है, पराजित करने के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर पूरे साम्राज्य का विस्तार कौन कर लेता है, चंद्रगुप्त ये कर लेता है,
ये गुप्त और वाटुकुटुक के साथ मिलकर ये शकों को उखाड़ फेंकता है, के साथ मिलकर चलेगा। सबसे पहले बात करें तो यहां पर जो बात करने जा रहे हैं है तो गुप्त प्लस वाकाटक, कौन? वाकाटक, वाकाटक गुप्त और वाकाटक मिलकर शकों को भारत से भगा देते हैं। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ये कितने वर्षों में? लगभग 20 वर्ष लगे। कितने कितने कितना टाइम लगा इनको? 20 वर्षों में कहा जाता है कि वर्ष तक इनका संघर्ष चला। किसका संघर्ष का चला? गुप्तों का और शकों का। ठीक है, गुप्तों और संघों का जो संघर्ष है, ये गुप्त किसका संघर्ष चला? गुप्त वर्सेज कौन? शक। और इनका संबंध कितने वर्षों तक चला? लगभग 20 वर्षों तक ये संघर्ष चला। 20 वर्ष तक संघर्ष चला। और अंत में कहा जाता है चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त शक शासक, चंद्रगुप्त शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों को भारत से खदेड़ देता है। पर शकों का भारत में अंत कर देता है, अंत कर देता है। क्या कर देता है भाई? शकों का भारत में अंत कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों का भारत में अंत कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? किस प्रकार से कर दिया जाता है? कई बार इसने आक्रमण किए वाकाटकों शासकों के साथ मिलकर, कहा जाता है लगभग 410 ईस्वी के आसपास, 410 ईस्वी में ये जो आक्रमण होता है, इसका संघर्ष चलता है। ये जो समय था इसका, ये जो समय मिलता है 410 से 411 ईस्वी के समय। कब यार दोस्तों? 410 से 411 ईस्वी के आसपास इनको मार देता है, भगा देता है यहाँ से। और कहा जाता है शकों को खत्म कर देता है। इनका जो संघर्ष है वो लगभग 20 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक चलता है भी? 20 वर्षों तक ये संघर्ष जारी रहता है। किसका? शकों का संघर्ष 20 वर्षों तक जारी रहता है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात करें तो इसी के द्वारा सिक्कों की बात की गई थी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और थोड़ी सी और डिटेल से देखते हैं क्या ये गुप्त साम्राज्य हैं। तो ये गुप्त साम्राज्य के समय कई प्रकार की वो बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं भी यहाँ से जानकारी मिलती हुई, अर्थात बौद्ध बौद्ध के समकालीन थे, इस कारण ये गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। और बात करें तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से फैला हुआ था, ये साम्राज्य किस तरीके से फैला हुआ था, ये गुप्त साम्राज्य में ये पूरा का पूरा गुप्ताज्य एम्पायर देखने को मिलता है। तक्षशिला से लगाकर यहाँ पर गिरिनगर तक, या उज्जैन ये इसकी राजधानी कहलाती थी। क्या कहलाती थी भाई? ये गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। एक तो ये उज्जैनी और एक ये पाटलिपुत्र, दोनों क्या थी? ये राजधानी हुआ करती थी। क्या? गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये राजधानी, राज्य की राजधानी एक तो उज्जैनी और एक पाटलिपुत्र, दोनों गुप्त साम्राज्य की राजधानी, ये गुप्त साम्राज्य हुआ करता था पूरा का पूरा। ठीक है, ये बौद्ध के चित्र मिलते हैं भाई, गुप्त साम्राज्य से संबंधित तो बौद्ध के चित्र मिलते हैं। ये गुप्त साम्राज्य, यही इस वाला फोटो है भाई, इंग्लिश हिंदी का अंतर है और कुछ, सारा का सारा का यही फोटो। ये कुरु, पांचाल, कोसल, पाटलिपुत्र, मगध, अंग, उज्जैनी, मालवा, मकरानी, बलूचिस्तान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और देखते हैं और क्या है, ये तो देख लिया आपने ये साम्राज्य का। और फोटो एक जो आप देख पा रहे हैं, ये उज्जैनी, पाटलिपुत्र वगैरह, ये साम्राज्य पूरा का पूरा गुप्ता साम्राज्य माना जाता है। तो बाद बात करें तो ये नवरत्न, किसके नवरत्न की बात करें प्यारे दोस्तों? इसके नवरत्न किसके? नवरत्न से चमकता था विक्रम का दरबार, अर्थात किसका दरबार? विक्रमादित्य का दरबार। यहाँ पर विक्रमादित्य की विद्या और संस्कृति के संरक्षक थे, उनके दरबार में नौ विद्वान रहते थे, जो नौ रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता था? नौ रत्न कहा जाता था, जिसमें वेताल भट्ट, कौन?
वेताल भट्ट धनवंतरी छपणक अमर सिंह संकुत घटकर पर कालिदास वराहमिहिर वराहमिहिर वर रुचि ये प्रमुख विद्वान थे जिनका फोटो लाए भाई देखो क्या फोटो की सहायता से देख सकते किस प्रकार से राज दरबार में कौन रहा करते थे नौ रत्न रहा करते थे ये पूरे के पूरे फोटो है जो आपको दिख भी रहेंगे प्यारे दोस्तों पेपर की तरह फोटो लग रहा है अच्छा शानदार वाला ठीक है। तो ये इसके दरबार के क्या है विद्वान थे इस कारण कहा जाता है कि ये कहाँ रहा करते कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये उज्जैनी में कहाँ रहा करते थे भाई ये उज्जैनी जो राजधानी थी ना ये उज्जैनी में रहा करते थे कहाँ रहा करते थे ये उज्जैनी राजधानी इसकी राजधानी क्या थी उज्जैनी में रहा करते थे उज्जैनी में कभी नहीं कहाँ रहा करते थे ये सारे नवरत्न ये नवरत्न रहा करते थे उज्जैनी में कहाँ पर उज्जैनी ठीक है कहाँ रहा करते थे भाई उज्जैनी में रहा करते थे ठीक है ये सारे के सारे नवरत्न कहाँ रहा करते थे ये इस प्रकार से इसके नवरत्न और बातें करें पूरी जानकारी क्या मिलती है हमें सिक्कों की अभी चर्चा ही कर रहे थे अपन आठ प्रकार के सिक्के चलाए थे सोने चांदी तांबा और क्या क्या प्यारे दोस्तों मिश्र धातु और सभी प्रकार के कहा जाता है तांबा की ये मुद्राएं चलाई थी इसने सोने चांदी तांबा की इनकी मुद्राएं जारी की थी रजत के सिक्के चलाने वाला ये पहला शासक माना जाता है जो प्रथम शासक माना जाता है ये भी ध्यान रख लेना। तो ये ध्यान रखे प्यारे दोस्तों क्या तांबा की मुद्राएं चलाए चलाए मुद्राएं चलाए क्या मुद्राएं चलाए और देखिए चांदी की मुद्राएं या सिक्के चलाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक भाई चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने किसके रजत या चांदी की मुद्राएं चलाई थी ये प्रथम गुप्त शासक माना जाता है इनको चलाने वाला विशेष रूप से ये ध्यान रखना है और क्या क्या आठ प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी ये ध्यान रखना है कितने प्रकार के आठ प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं आठ प्रकार की क्या चलाई थी इन्हें स्वर्ण मुद्राएं क्या चलाए स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी आठ प्रकार की ये ध्यान रखना आठ प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला भी कौन है भाई ये था कौन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें कहा जाता है कि प्रमुख रूप से अश्वारूढ़ प्रकार के प्रियक प्रकार के ये जानकारियां मिलती हमें कौन कौन सी यहाँ पर आठ प्रकार की जगह चलाए थे तो इसमें जो जानकारियां मिलती हमें कौन कौन सी थोड़ा सा मैं नाम लिख देता एक तो अश्वारूढ़ प्रकार तो अश्वारूढ़ प्रकार के और कौन सी मिलती है यहाँ पर प्रियक प्रकार छत्रधारी प्रकार प्रयक प्रकार दूसरी छत्रधारी प्रकार अर्थात ये सोने के मुद्राओं के प्रकार है भाई किसके स्वर्ण मुद्राओं के प्रकार है जो आठ प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाए उसके प्रकार है और मुद्राएं चलाई गई ये सारी लगभग कई प्रकार की ये मुख्य मुख्य तीन नाम याद रख लेना छत्रधारी प्रकार प्रियक प्रकार और क्या ये जानकारी हमें प्राप्त होती है भाई ये किससे चंद्रगुप्त मौर्य से हमें सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है ठीक है। और बात करें व्याघ्रहीनता प्रकार के सिक्के भी इसके द्वारा चलाए गए थे जो सिंहहीनता में बदल दिए गए थे इसके
व्याघ्रहीनता जो सिक्के चलते थे जिनको सिंहहीनता में बदलने वाला भी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। ये हमें इसके सिक्कों की जानकारी मिलती है। अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? अयोध्या से प्राप्त हुई है अधिकांश ताम्र मुद्राएं। अधिकांश अधिकांश ताम्र मुद्राएं अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त हुई है। अयोध्या अयोध्या से प्राप्त हुई है। क्या कहाँ से प्राप्त हुई? अयोध्या से प्राप्त हुई। क्या कहाँ से प्राप्त होती है? अधिकांश जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमें अयोध्या से प्राप्त होती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, ठीक है। और उज्जैनी को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। किसको? चलेगा, ये तो जानकारी होगी भाई इसके शासनकाल के बारे में, पूरी मुद्राओं के बारे में। और क्या क्या जानकारी है और देख लेते हैं। लोह स्तंभ के बारे में होगी, ठीक है, पूरी जानकारी मिलती। अब और जानकारी लेते हैं। इसी के शासनकाल में कहा जाता है कि यात्री आया था फाइयान। कौन आया था भाई? फाइयान। कौन? विदेशी यात्री आया था फाइयान। कौन आया था? फाइयान। फाइयान विदेशी यात्री इसी के शासन काल में आता है, जिसके द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम था फोकोवाकी। इसकी रचना कौन सी थी? फोकोवाकी। इसकी रचना कौन सी थी? इसकी रचना तो क्या कहते हैं, फोकोवाकी। इसकी रचना कौन सी थी? फोकोवाकी। फाइयान के द्वारा एक रचना लिखी गई, उसका नाम क्या था भाई? फोकोवाकी। इसका मूल नाम जो मिलता है कुंड मिलता है। इसका मूल नाम क्या था? फाइयान का मूल नाम क्या? मूल नाम। इसका मूल नाम कुंड था। क्या था भाई? कुंड। इसका मूल नाम क्या मिलता है हमें? कुंड इसका मूल नाम मिलता है। और कहा जाता है इसका जन्म बुयांग शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुयांग शहर में होता है। ये कहा जाता है कि आने में तो उत्तरी स्थल मार्ग से आया था और जाते समय जल मार्ग से गया था। भाई ये आया तो था, आया किससे था? आया तो क्या था? स्थल मार्ग से। कौन से? स्थल मार्ग से आया। किससे आया था? और गया तो गया किससे है भाई? ये गया जल मार्ग से था। किससे गया था? जल मार्ग से गया था। किससे गया था? ये जल मार्ग से गया था। आया तो था स्थल मार्ग से था। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा। कितने वर्षों तक? लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा। और कहा जाता है कि ये चीन द्वारा पूछा, चीन वाले जलमार्ग से कहाँ पूछा था? वापस चीन गया था। और कहा जाता है कौन सी? फाइयान की जिक्र करते हैं। और फाइयान का जो शासनकाल इसी के समकालीन माना जाता है, इसी के समय कहा जाता है बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके लिए आया था, ये बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बौद्ध शिक्षा का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया था। लगभग इसने कहा जाता है कि फाइयान ने अपने 30 वर्ष चुने थे, यानी कि 30 देश चुने थे और 60 वर्षों तक घूमा तक आ जाता है, ऐसी मान्यता है मिलती है। 30 देश चुने थे और 60 वर्षों तक घूमने का कार्य किया था। कौन? फाइयान, जो इससे संबंधित माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत आया और यहाँ पर भारत में कई सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात ये वापस भी चला गया भाई, कई वर्षों तक यहाँ रहने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहला दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेज के साथ। पहला दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।